नेशनल खबर सब पर नजर। नमस्कार, नेशनल खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुरभि। आज हम नेशनल खबर के हेल्थ सेगमेंट के इस एपिसोड में बात करेंगे डायबिटीज पर, और डायबिटीज पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी। हेलो सर। थैंक यू सर। मैं आपसे सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी कि डायबिटीज को अगर आप आसान भाषा में हमारे दर्शकों को पहले समझा पाए। डायबिटीज का मतलब है, डायबिटीज पहली बार तो कोई बीमारी का स्टेटस नहीं मिला। इट इज़ नॉट ए डिजीज, इट इज़ जस्ट कॉल्ड ए मेडिकल कंडीशन। इसका मतलब है हाई शुगर इन योर ब्लड। डायबिटीज का मतलब आपके ब्लड में शुगर जितना होना चाहिए उससे थोड़ा ज़्यादा शुगर। पहले तो ब्लड में शुगर होना क्यों चाहिए, ब्लड में शुगर होता क्यों है? इस वक्त देखिए, आप मेरी बातें सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, आप जिंदा हैं बेसिकली। तो जिंदा है तो जो एनर्जी बॉडी के एक एक सेल को चाहिए होती है, वो एनर्जी कहाँ से आती है? वो शुगर से आती है। ब्लड शुगर को ले लेके बॉडी के एक सेल तक पहुंचाता है और सेल उसको बर्न करके एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जिसकी वजह से आप जिंदा हैं, आप मुझे सुन पा रहे हैं, मैं आपको बता पा रहा हूं। तो शुगर ब्लड में होना बड़ा अनिवार्य है, उसी से एनर्जी आती है। तो लेकिन शुगर एक लिमिट तक ही अच्छा है, उससे ज्यादा शुगर होगा तो उसे बोलेंगे हाई शुगर, क्योंकि उससे ज्यादा शुगर होगा तो ब्लड का जो सारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो स्लो हो जाएगा। जैसे आपके शहर का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम किस लिए होता है, ताकि सामान इंसान को ट्रांसपोर्ट किया जाए, लेकिन ज्यादा ट्रैफिक हो जाएगा तो सब कुछ स्लो हो जाता है, तो उसी तरह से। तो अब इसको अगर समझना हो 30 सेकंड में कि डायबिटीज क्या है, तो देखिए मान लीजिए मेरे बॉडी में 70 केजी मान लो मेरा वेट है, तो 5 लीटर खून होगा, और 5 लीटर खून का मतलब कि इस तरह के 5 बॉटल में मैं सारा खून भर दूंगा तो ऐसे 5 बॉटल चाहिए। अब एक बॉटल से मैं एक बूंद खून निकालता हूं और ग्लूकोमीटर में डालता हूं और रीडिंग आता है 100। इसका मतलब कि मेरे 1 लीटर खून में 1 ग्राम शुगर है, रीडिंग आती है 200। इसका मतलब मेरे 1 लीटर खून में 2 ग्राम शुगर है। तो जो भी रीडिंग आती है उसका ये तात्पर्य है। अगर रीडिंग आती है 300, इसका मतलब मेरे 1 लीटर खून में 3 ग्राम शुगर है। तो 300 आएगा तो बोलेगा डॉक्टर ये आप डायबिटीज पेशेंट हैं। उसका मतलब आपके पर लीटर खून में करीब 1 ग्राम फालतू शुगर है। वो 1 ग्राम मतलब 1 चम्मच का 1/4 हिस्सा, थोड़ा सा शुगर, उतना उठा के ब्लड से बाहर निकाल दो तो आप डायबिटीज पेशेंट नहीं कहला सकते। तो दैट इज डायबिटीज। सर, आपने डायबिटीज को तो बखूबी एक्सप्लेन कर दिया। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आपने बहुत सारे डायबिटीज के ऊपर और भी बहुत से टॉपिक्स पर आपने कई किताबें लिखी हैं, तो सर आपने ये सफर कहाँ से शुरू किया और किस तरीके से आपने पर्टिकुलरली डायबिटीज को लेकर ही पढ़ने का आगे सोचा? देखिए, एक डायबिटीज को समझ लेंगे ना तो आपको सारी बीमारियां समझ आ जाएंगी। हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, किडनी फेलियर, कैंसर, थायराइड डिजीज, मोटापा, जितनी सारी बीमारियां, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, हाई कोलेस्ट्रॉल, जितनी सारी बीमारियां लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई हैं वो सारे चीजें समझ आ जाएंगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप ये शुगर को बॉडी से बाहर निकालने कैसे ये समझ जाएं तो भी आपको सारा कुछ, सारा खेल वहीं समझ आ जाएगा। तो बीमारियों के नाम अलग अलग हैं लेकिन सारी बीमारियों का रूट कॉज सेम है, दैट इज हाई शुगर इन द ब्लड तो वो डायबिटीज, हाई शुगर इन द हार्ट तो वो हार्ट डिजीज, हाई शुगर इन द किडनी तो वो किडनी फेलियर, हाई शुगर बिहाइंड द आईज दैट बिकम्स आई डिजीज। तो देखिए कितनी सिंपल बात है कि बीमारियां अलग अलग हैं लेकिन कारण सेम है। तो मैंने सोचा कारण को पकड़ा जाए। मान लो कहीं पे घुटनों में, जॉइंट में प्रॉब्लम होती है तो जॉइंट पेन होता है, अर्थराइटिस होता है, लेकिन वहाँ पे क्या है, अगर वहाँ पे आप देखें तो हाई शुगर, शुगर डिपॉजिट हो गया वहाँ पे तो वो अर्थराइटिस हो गया। तो मतलब ये कि आपके बॉडी में चाहे वो ब्लड हो या किसी भी ऑर्गन में से जहाँ भी एक्सेस शुगर है वो निकाल दो, वो बीमारी गायब। तो आप एक ही डायबिटीज, मतलब बॉडी एक्चुअली डायबिटीज या हाई एक्सेस शुगर का ही हो गया, हाई शुगर इन द ब्रेन तो पार्किंसन, अल्जाइमर, डिमेंशिया। तो इसलिए पार्किंसन, अल्जाइमर, डिमेंशिया को नया नाम दिया गया डायबिटीज टाइप 3। मतलब ये सारी बीमारी एक तरह से डायबिटीज की ही बीमारी है, उसी के ही भाई बंधु हैं जी। तो सर मेरा अगला सवाल ये भी था इसमें कि आपने
केवल डायबिटीज को लेकर ही पढ़ने का क्यों सोचा, कोई और सब्जेक्ट या किसी और फील्ड में क्यों इंटरेस्ट नहीं था? देखिए, इंसान है तो इंसान को जिंदा रहना है, और जिंदा रहने के लिए देखिए, आप में से कितने लोग होंगे जो नेशनल खबर के रेगुलर व्यूअर्स हैं, कि आप कोई 10 साल 20 साल 25 साल से दवाइयों पे चल रहे हैं, तो ऐसे जिंदगी का क्या मजा जहाँ पे आप रोज स्ट्रगल कर रहे हैं जीने के लिए, दवाइयों के साथ जीना पड़ रहा है, तो ये जिंदगी तो ठीक बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर हम हेल्दी नहीं है तो जीवन की कोई खुशी हमारे लिए खुशी नहीं हो सकती। जीवन का सबसे दुख, सबसे बड़ा दुख है कि जिंदा रहने की कोशिश में लगे रहना, जो कि अक्सर लोग कर रहे हैं, जितने भी लोग आप देखिए कोई ना कोई दवा ले रहे हैं, जिंदा रहने की कोशिश में लगे रहना। तो मुझे लग रहा था कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। जी सर, तो आप मानव सेवा के लिए आपने ये कोर्स चूज किया था? मानव सेवा के लिए, अपने सेवा के लिए, हमें भी जिंदा रहना है। जी बिल्कुल सर। सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जैसे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के आप फाउंडर हैं, और सर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आपका नाम दर्ज है, एक तरीके से आपको मेमोरी किंग भी कहा जाता है, तो सर इस स्टोरी के पीछे भी मैं आपकी क्या स्टोरी रही है, मैं वो चीज जानना चाहूंगी। देखिए, स्कूल टाइम में आई वाज नोन एज एब्सेंट माइंडेड, फॉरगेटफुल, कोई भी चीज़ भूल जाना, बड़ी मुश्किल से याद होना, तो मुझे लगा कि कुछ बच्चों को तो जल्दी याद हो जाता है, हमें याद नहीं होता, तो इसके पीछे का सच्चाई क्या है ये जानने की कोशिश की। मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी ब्रेन पे, माइंड पे, तो मुझे समझ आया देर आर सर्टन स्मॉल स्मॉल टेक्निक्स, वो टेक्निक 5-6 टेक्निक्स हैं, वो टेक्निक अगर सीख लो तो आप की ओरिजिनल मेमोरी कितनी भी क्यों ना हो, उस टेक्निक के माध्यम से आप सुपर मेमोरी किंग बन सकते हैं। तो वो एक कोशिश थी, और उसे साबित करने के लिए फिर गिनीज बुक में 2008 के एडिशन में मेरा नाम आया पेज नंबर 82 में, तो दैट वाज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। यस सर। और सर आपने 3-स्टेप प्रोटोकॉल कॉल द DIP डाइट बोलकर भी एक ऐसी चीज सामने लेकर के आए हैं, तो सर इस पर भी मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि 72 आवर्स टूर आपने बताया है इस चीज को, तो इस चीज को आप दर्शकों को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? मैंने आपको एक बात बताई शुरू में कि व्हाट इज डायबिटीज, शुगर ब्लड में एक्सेस होना कुछ ग्राम, लगभग एक चम्मच शुगर ज्यादा है जितना होना चाहिए तो आप डायबिटीज पेशेंट हैं, तो उस एक चम्मच को ब्लड से बाहर कैसे निकालें, बॉडी से बाहर कैसे निकालें, उसके लिए वो 3-स्टेप 3-डेज डाइट है, DIP डाइट। बस 3 दिन के लिए, 3 दिन के अंदर बॉडी में शुगर चाहे 300 चाहे 400 है 500 है, 500 मतलब पर लीटर ब्लड में 5 ग्राम शुगर, राइट, तो वो एक्सेस शुगर को उठा के 3 दिन में बाहर फेंकता है, फिर शुगर आपका नॉर्मल रहता है। लेकिन फिर आपकी जिम्मेदारी है कि नॉर्मल आगे भी रहे, ठीक है ना। मान लो आप गंदा होकर आ रहे हैं, बोले हैं साफ कैसे हूँ, मैं बोलूँ नहा लो, लेकिन नहाने के बाद साफ कैसे रहें, तो रोज नहाओ। ठीक उसी तरह से पहला स्टेप डायबिटीज से बाहर निकलने का, कि जो एक्सेस शुगर आ गया उसको उठा के फेंको, कितना टाइम लगेगा, वो 3 दिन लगेगा थ्रू दैट DIP डाइट, 3-स्टेप प्रोटोकॉल जो है ना, 3 दिन लगेगा उससे। लेकिन 3 दिन में अब एक बार तो शुगर बाहर आ गया, दोबारा से अगर इकट्ठा करेंगे तो दोबारा डायबिटीज पेशेंट बन जाएंगे। तो लगातार ये DIP डाइट पे आप रहेंगे थोड़ा बहुत भी, तो भी आप डायबिटीज के जाल में दोबारा नहीं फंसेंगे। सर कई डॉक्टर्स ऐसा होता है कि अगर कोई डायबिटीज पेशेंट उनके पास जाता है तो वो तुरंत ही उन्हें इंसुलिन सजेस्ट कर देते हैं, तो आप इसके फेवर में ही अगेंस्ट में? देखिए, इंसुलिन तो डायबिटीज से भी ज्यादा खतरनाक है, इंसुलिन कॉजेस कैंसर, तो आप डायबिटीज पेशेंट थे, आप डायबिटीज प्लस कैंसर पेशेंट बन गए, तो ये तो कोई बात बननी नहीं। तो इंसुलिन के तो मैं सख्त खिलाफ हूँ, मैं यही बोलता हूँ कि आप किसी भी तरह से इंसुलिन से पीछा छुड़ाइए, इसलिए मैं बोलता हूँ आप डाइट पे आइए, DIP डाइट बहुत ही सिंपल DIP डाइट है, इसको करेंगे तो आप कैंसर हो, डायबिटीज़ हो, हाई ब्लड शुगर से और इंसुलिन के इस साइड इफेक्ट से बच पाएंगे। सर Type 1 और Type 2 जो डायबिटीज पेशेंट होते हैं, तो उन्हें कितना वक्त लग सकता है ये जो आपने एक डाइट तैयार किया है इसको फॉलो करके ठीक होने में? Type 1 वाले जो बच्चे होते हैं, बच्चों में होता है Type 1, अगर वो 1 साल के अंदर अंदर मेरे पास आते हैं तो उनमें से 40% बच्चे ये होते हैं जो 3 महीने के अंदर ही वो इंसुलिन मुक्त होते हैं, और जो बाकी बच्चे होते हैं उनको फिर लंबा समय लगता है। लेकिन काफ़ी सारे ऐसे भी होते हैं जिनको इंसुलिन लास्ट तक लेना ही पड़ता है, लेकिन एटलीस्ट ये फ़ायदा होता है ज़्यादातर बच्चों को कि जितने इंसुलिन ले रहे थे, मान लो कोई 50 यूनिट ले रहा है दिन में 4 बार, हर बार 10-10 यूनिट करके या 15 यूनिट करके ले रहा है, तो उसकी इंसुलिन की जो डिपेंडेंसी है वो 1/4 रह जाती है, 1/4 पहली बात, और 4 बार लेने की जगह 1 बार ही लेने से काम चल जाता है, तो ये फ़ायदा है DIP डाइट का। तो जो Type 1 वाले हैं उनमें से कुछ लोगों को हम पूरी तरह छुड़ा नहीं पाते, क्योंकि बचपन में वो इंसुलिन डिपेंडेंट हो जाते हैं, और जैसे जैसे उनकी बॉडी ग्रो करती है इंसुलिन की वजह से, जो पेनक्रियाज है जो बाहर से इंसुलिन ले रहे हैं वो ग्रो नहीं कर पाते उतनी स्पीड से, तो जब वो पेनक्रियाज इज फैक्ट्री फॉर प्रोड्यूसिंग इंसुलिन, वो फैक्ट्री छोटा रह गया तो फैक्ट्री 100% काम करेगा तो भी वो
बॉडी की पूरी रिक्वायरमेंट बन नहीं पाएगा। तो यह है टाइप वन के बारे में। टाइप टू के जो पेशेंट्स हैं वो लगभग लगभग 90% पेशेंट ऐसे हैं जो मेडिसिन फ्री हो जाते हैं, मेडिसिन वाले, और करीब 70% इंसुलिन वाले इंसुलिन फ्री हो सकते हैं। करीब 3 दिन से लेकर 3 महीने के बीच में कुछ भी टाइम लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि कितने समय से वो डायबिटिक पेशेंट थे, इंसुलिन का डोज क्या था, कौन कौन साइड इफेक्ट्स हैं, तो इन सारी चीज़ों में। लेकिन फ़ायदा सभी को होता है, फ़ायदा इन अ सेंस कि कम से कम 50% इंसुलिन तो रिड्यूस होता ही है ऑन एवरेज, कम से कम 70-80% मेडिकेशन कम होता ही है ऑन एवरेज, और साथ में पेरिफेरल डिजीज और जो उसने इकट्ठे कर लिए, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ इकट्ठे कर ली इस जर्नी के दौरान, तो वो उनसे भी छुटकारा मिल ही जाता है। सर आपने ये बातें जो अभी बताई, तो इस पर क्या हम ये एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो डायबिटीज पेशेंट है वो जड़ से भी ठीक हो सकते हैं? हाँ हाँ, जड़ से ठीक हो सकते हैं, क्यों नहीं ठीक हो सकते। डायबिटीज़ तो पहली बात कोई बीमारी नहीं है, मैंने तो बताया डायबिटीज़ का मतलब आपके ब्लड में एक्सेस शुगर, तो एक्सेस शुगर को आप हटा दें तो आप जड़ से ठीक हो गए। मेरे पास डायबिटीज़ टाइप वन के पेशेंट्स बहुत सारे हैं, पूरे दुनिया से हैं, तो मैंने यही देखा उनमें जो ज़्यादातर जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो ब्लड शुगर फ्लक्चुएट हुआ उनका वैक्सीन लेने के विद इन ए वीक्स टाइम हुआ, सब कुछ ठीक था, बच्चा हेल्दी था, नॉर्मल था, वैक्सीन लिया उसके एक हफ्ते के अंदर न जाने क्या हुआ, बच्चे बेड वेटिंग होने लगा और उसको प्यास लगती है, भूख लगती है, और उसका ब्लड शुगर देखा तो 500 के ऊपर पाया गया। तो ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि वैक्सीन लिया उसके एक हफ्ते के अंदर ये हो गया, नंबर वन। नंबर टू, वैक्सीन में पाया गया इट कॉजेस इट ट्रिगर्स ऑटो इम्यून डिजीज राइट, और डायबिटीज टाइप ओनली। तो ऐसे मैंने तो देखा है अपने एक्सपीरियंस में कि डायबिटीज़ टाइप वन का जो मुख्य जो मैं सस्पेक्ट देखता हूँ वो वैक्सीन ही दिखता है मुझे। आम में आम जो है ये डायबिटीज़ को ठीक करने का दवा है, लेकिन उसको मना किया गया कहीं ऐसा ना हो कि लोग आम खाने लगे और ठीक होने लगे। तो आम है, अंगूर है, चीकू है, ढेर सारा फल खाओ, खूब खाइए। नट्स, पीनट्स हैं, आलमंड्स हैं, कैशू नट्स हैं, खूब खाइए। स्प्राउट्स खूब खाइए, पत्ते अलग अलग तरह के, जैसे पालक के पत्ते, धनिया, पुदीना, पान का पत्ता या करी पत्ता। तो ये जो पत्ते हैं ना, ये बॉडी में, ये मान लीजिए इंसुलिन, और जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है तो उनके लिए क्या डाइट फॉलो करना चाहिए और अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें ताकि बच्चा भी सुरक्षित रहे? उनको डीआईपी डाइट फॉलो करना चाहिए। मैं बताता हूँ, डीआईपी डाइट में सिंपल है, 3 स्टेप, 12 बजे तक सिर्फ फल खाना पेट भर के। कितना? अपने बॉडी वेट के अनुसार। मान लीजिए किसी का बॉडी वेट 70 kg, तो इंटू 10 कर दीजिए 700, फिर ग्राम लगा दीजिए 700 ग्राम, मिनिमम बोल रहा हूँ। 700 ग्राम से कम खाएंगे तो वो फूड है, 700 ग्राम से ज़्यादा खाएंगे तो वो मेडिसिन है। ढेर सारा खाना 12 बजे से पहले, लंच और डिनर के लिए जब भी बैठेंगे 2 प्लेट लेके बैठिए, Plate 1 and Plate 2। Plate 1 में कच्ची सब्जी, टमाटर, खीरा, मूली, गाजर। कितना खाना है? आपका बॉडी वेट इंटू 5। मेरा बॉडी वेट मान लो 70 kg × 5, दैट बिकम्स 350 grams। इतना कम से कम खाना है, और इतना खाने के बाद ही मैं Plate 2 रोटी सब्जी दाल चावल में छू सकता हूँ, राइट? तो ये दूसरा। और तीसरा नियम जो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 2 तरह की चीज़ों को अवॉइड कीजिए, ऐसी चीज़ जो जानवरों से निकलती हो और ऐसी चीज़ जो फैक्ट्री से निकलती हो। ये और धूप में बैठिए रोज़ करीब 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट धूप में बैठेंगे तो बहुत ज़बरदस्त होगा। तो बस इतना करना है। और प्रेग्नेंट लेडी को, ये तो हो गया डीआईपी डाइट, और जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है तो जब तक वो फीडिंग रहेगा तब तक उस इसमें ऐड कर लीजिए 5 नारियल पानी रोज़, इसके अलावा डाइट के अलावा रोज़, इसके अलावा वेजिटेबल जूस, किसी वेजिटेबल का फ्रूट जूस, सिट्रस फ्रूट जूस, राइट? और एक नट ड्रिंक। नट ड्रिंक में क्या होगा? नट्स होंगे, पीनट्स, आलमंड, कैशू नट, 6 घंटे भिगोया, फिर पानी में डाल दिया और उसको मिक्सी में घुमा दिया, तो नट ड्रिंक हो गया। और एक वेजिटेबल स्मूदी, स्मूदी तो समझते हैं, कोई वेजिटेबल लीजिए उसकी स्मूदी बनाइए, वो पीजिए। तो ये सिंपल नियम है, इसको कीजिए। मेरे पेशेंट करते हैं, दुनिया भर से आते हैं पेशेंट्स और वो सब ठीक रहते हैं। थैंक यू सो मच सर कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और हमारे दर्शकों को तक पहुंचाई, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। तो दर्शकों, सुना आपने कि किस तरीके से डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी ने आपको ये तमाम जानकारियां दी। उन्होंने जो कुछ भी बताया, हम आपसे अनुरोध करेंगे कि कृपया ये पूरा डाइट फॉलो कीजिए, और जो जिन बातों को उन्होंने कहा कि जिन बातों का आपको ध्यान रखना है, कृपया करके उन बातों का ध्यान रखें। नेशनल खबर, सब पर नजर।